देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद उत्तराखंड के हरिद्वार में इस बार कुंभ का आयोजन हुआ। 11 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2021 के बीच देश भर से इस मेले में करीब 1 करोड़ लोग पहुंचे। हर दिन इस कुंभ मेले से 100 टन से ज्यादा कचरा निकला, जबकि हरिद्वार शहर से हर दिन करीब 150 टन कचरा निकलता है। लेकिन एक संक्रामक महामारी के बीच इतना सारा कूड़ा कचरा गया कहां? नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा और इस वक्त हम हरिद्वार के सराय गांव में खड़े हैं। ये गांव कभी बहुत खुशहाल था और यहां पर खेती किसानी हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों ये सराय गांव बड़ी ही मुसीबत में है और इसकी वजह है ये कूड़े का ढेर। दरअसल यह खेती वाली जगह 2016 में जहन्नुम बन गई, जब हरिद्वार नगर निगम ने अपना सारा कूड़ा कचरा इस जमीन पर छोड़ने का फैसला किया। सराय गांव के लोगों से इस बारे में न ही कोई बातचीत की गई और उनके खेती की जमीनों को भी नगर निगम ने लीज से वापस ले लिया। पहले बाप दादा की थी, मतलब निगम ने ली थी, ये पहनावा कराया था इसका, ये कह के भाई यहाँ साग सब्जी हुआ करेगी, हर आदमी गांव का बड़ा छोटा अपने खेती में लगा रहा करेगा, रोजगार मिलेगा। वो सारे बेरोजगार हुए इस कूड़े के पड़ने से। वर्षों पुराने कूड़े कचरे को शिवालिक रेंज के वन क्षेत्र से उठाकर सराय गांव में लाने की योजना बनाई गई। करीब 600 बीघे में फैले कृषि क्षेत्र को नगर निगम ने डंपिंग यार्ड बना दिया। कुंभ और शहर का मिला जुला बिना छटाई वाला कचरा न सिर्फ उर्वर जमीन बल्कि आसपास की करीब 1.5 लाख आबादी को परेशान कर रहा है। खेती में तो बदलाव बताया मैं कि एक तो खेती बड़ी गंदी, खेती में सफाई नहीं है बिल्कुल भी, उसकी धूल मिट्टी उड़ती है और उसमें पन्नी वगैरह पता नहीं कितना पड़ा कचरा, जो हम साफ करते रहें हफ्तेवार 10 दिन में साफ करते रहें फिर भी आओ जाओ उड़ उड़ को, तमाम कूड़ा खेती में पड़ा है। बाजार में ले जाते हैं तो उसका हमें दाम भी नहीं मिलता। इसमें अब आग लग जाएगी, गर्मी आ गई, धुआं इतना होगा कि रात में नींद नहीं आती। एक तो ब्रीथिंग की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से। अभी आप देखो ये जो महीना अप्रैल का चल रहा है, आमतौर से इस महीने में मॉस्किटोज नहीं आते थे हमारे गांव में, लेकिन आप फिलहाल देखो कि शाम के 5 बजे के बाद इतने मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं कि हद हो जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। और फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डेंगू बढ़ गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही हो रही है। यहाँ का रिसाइकलिंग प्लांट वर्षों से बंद है और आसपास खेती की जमीनों पर कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। अनुमान के मुताबिक 11 मार्च 2021 से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक कुंभ और हरिद्वार शहर का करीब 7500 टन से ज्यादा कचरा यहां बिना किसी छटाई और उपचार के गिराया गया। अब जो है सरकार को एक कुंभ का बहाना मिल गया, कुंभ महाकुंभ 2021 का, कि उस कुंभ में ये जो है व्यस्तता के कारण इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ कुंभ क्षेत्र बैरागी कैंप या हरिद्वार क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया जा रहा है, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वो साफ़ सफाई कूड़ा मल मूत्र इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सर्जिकल वेस्ट जो है यहाँ पर लाके डंप करा जा रहा है और उसे छुपाने के लिए इसमें आग लगा दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कुंभ मेले के आयोजन से करीब 5 महीने पहले 20 नवंबर 2020 को अपनी बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का और कूड़ा कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 का पालन करते हुए उत्तराखंड सरकार मेले और नगरीय कूड़े कचरे को न सिर्फ एकत्र करेगी बल्कि उसकी छटाई और प्रोसेसिंग के साथ उसका उपचार भी करेगी। लेकिन आदेशों के बावजूद कूड़े कचरे का उपचार प्राथमिकताओं से बाहर रहा। हरिद्वार का एक कचरे का प्रबंधन का व्यवस्था पहले से है, लेकिन ये मेला जो लगता है इसमें जितने लोग आते हैं ये हरिद्वार का कुल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा, पहले से सोचना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने लोग मुझे चाहिए, कितने गाड़ियाँ चाहिए, कितने बिन्स चाहिए, कितने वॉलंटियर्स चाहिए और ट्रीटमेंट फैसिलिटी मुझे कितने मतलब
कितने का चाहिए ताकि वहाँ पे पूरा कचरा जो मिला मेले में पैदा हो रहा है वो कचरे का प्रबंधन हम लोग वहाँ पे कर सकें। तो अगर कुंभ से भी ये पूरा कचरा उसी गांव में डंप साइट में फेंका जा रहा है तो मतलब है कि कुंभ के लिए हमारा जो प्लानिंग है वो खाली कलेक्शन से लेकर डंपिंग तक ही सीमित है। अगर आपके शहर का कचरा डंप साइट में जाके फेंका जा रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके शहर में जो कूड़े का व्यवस्था है उसका हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल इस बात की पुष्टि जनवरी 2021 में सीएजी की रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में अस्पतालों और शहरी क्षेत्र में कूड़े कचरे का सही प्रबंध न होने की वजह से समूचा शहर सामान्य संक्रमण के उच्च जोखिम पर खड़ा है। मैं पर्सनली वहां पर विजिट किया था तो मैंने वहां गांव वालों से जब इंटरेक्ट किया तो उन्होंने भी बताया कि कुछ डिसीजेस कॉज हो रही हैं दैट मे बी ड्यू टू जो है मिक्सचर ऑफ वेस्ट जो है उसमें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरीके के वेस्ट उसमें रहते हैं जिसकी वजह से मे कॉज हो सकता है क्योंकि इसमें जो वाटर है वाटर के थ्रू भी इसमें जो आसपास के एग्रीकल्चरल फील्ड्स में या जो इनका जो वाटर जो हैंडपम्प्स के थ्रू या अंडरग्राउंड वाटर है उसमें कितना लीच करके जा रहा है कितना नहीं जा रहा है वो अभी स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। प्लस एयर में अगर हम देखें तो एयर के साथ भी जो है ये जाके इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि कुछ फायर्स जो हैं नेचुरल फायर्स हैं या मैन मेड फायर्स जो हैं उसकी वजह से भी सब्सटेंसेस जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जब बर्न होते हैं तो उसमें से जो है कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस अगर हैं तो वो जाके इम्पैक्ट कर सकते हैं। जब दुनिया की सबसे संक्रामक महामारी इस वक्त अपने पाँव पसार रही है तब इस तरह से खुले में पसरा हुआ कूड़ा कचरा सामान्य संक्रमण को भी बढ़ावा दे सकता है।